सुनाई देता है, जैसे एक बदमाश कारोबारी अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा ले शुद्ध घी। तो घी शुद्ध ही होना चाहिए, या तो घी है या मिलावट है, पर जमाना खराब है इसलिए शुद्ध, असली शुद्ध, पूरा शुद्ध। पहली दफा आया हूं, वोट करने वाला जो ब्लॉक है उसको पहला नमस्ते। अलीगढ़ भी पहली दफा आया हूँ, एएमयू भी, और जेएनयू से आया हूँ। बहुत टाइट। तो भला हो नए निजाम का, हमारा आपका एक रिश्ता तो जोड़ ही गया है। विषय जो है वो आपको गलत बताया गया है, पर मेरे बारे में भी बहुत सारी गलत सलत चीजें आपको बता दी गई हैं, तो बेहतर है कि शुरुआत में ही मैं कुछ चीजें साफ कर दूं। पहली चीज तो ये है कि हमारा हाल भाषा के मामले में, खासतौर पे उर्दू के मामले में, एक्सप्रेसवे से अलीगढ़ आने वाली सड़क की तरह है, जर्जर, खराब, वर्क इन प्रोग्रेस। और इसके लिए कोई बदमाश ठेकेदार या नेता जिम्मेदार नहीं है, मैं ही हूं, सीख रहा हूं। दूसरी चीज, आज की बातचीत का जो विषय है वो मैं और मुसलमान, आप बीति और जगबीति नहीं है, ये तो ब्रैकेट में विस्तार कर दिया गया। जैसे फिल्म का नाम तो रामलीला था लेकिन बवाल हुआ तो गोलियों की रास लीला, रामलीला। ऐसे होता है ना कि बोले साहब पिक्चर बनानी है, नाम रखना है दाग, बोले साहब टाइटल बिक चुका है, तो बोले कर दो दाग द फायर। रेपिडेक्स चल रहा है। आज का विषय है शकूर चच्चा के हंडे। जी, बहुत पुराने वक्त से कुछ बात की बात है, हम पैदा हुए। जी, ये भी हुआ है। नहीं, वो अजर अमर सुन के लग रहा था कि एकदम पपीता खीरा पता नहीं कहां से निकले हैं, या बीती आगे से तो नहीं निकले हैं। तो जो पहली दफा मैंने ये शब्द सुना मुसलमान, तो वो हमारे गांव में सुना, शकूर चच्चा के लिए सुना। शकूर चच्चा बड़े कमाल के आदमी थे। दरअसल आदमी कमाल के होते नहीं है, किस्सा वो पादी होते हैं, उनको लगता है कि पब्लिक को बांध के रखना है तो सारे किरदारों को कमाल का बताओ। शकूर चच्चा वैसे ही थे जैसे पन्ना कक्का थे, बस मजहब का फर्क था। और 4 साल के सौरभ को तब ये तमीज नहीं थी, अभी भी नहीं है ज्यादा। हाँ, मजहब की तमीज जितनी कम रहे उतना ही बड़ा कायदा होते दिखा नहीं है ज्यादा 35 साल की उम्र में। तो कैसे पता चला कि शकूर चच्चा है और पन्ना कक्का है? फोन साइलेंट करना भूल गए। उनके घर से हमारे घर मट्ठा लेने के लिए महिलाएं आती थी, भीतर नहीं आती थी, बड़े आंगन की दहरी पर बैठती थी। बोलते उनको भी दाई थे, दादी की उम्र की जो भी महिलाएं, पर भीतर नहीं आती थी क्योंकि वो मुस्लिम थी और मैं जिस घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण था। तो हमने पूछा क्यों नहीं भीतर आती है? बोले वो बेटा अभी नहीं आती है, तुम बड़े हो गए तो समझ जाओगे। समझा तुम्हें? अभी तक नहीं हूं।
कि शकुर चच्चा वाली जो चच्ची थी वो भीतर क्यों नहीं आती है। नजारे और देखे खूब, जो दलित परिवारों के लोग थे वो भीतर आते थे कभी कभार काम करने के लिए, पर बर्तन उनके भी अलग थे और उनके भी अलग थे। बर्तनों में बड़ी आस्था है हिंदुस्तान की। फिर और बड़े हुए तब मैंने देखा कि एक छूट है जो शकूर चच्चा को नहीं मिली, अकबर अली चच्चा को मिली और भानु प्रताप कक्का को मिली। ये भी मुस्लिम और दलित हैं, पर इनके बर्तन अलग नहीं किए गए क्योंकि इनमें से एक सांसद था और दूसरा विधायक और मंत्री। तो दूसरा शऊर आया कि ये मजहब जात वगैरह होती है पर इसकी भी एक हायरार्की होती है, पावर स्ट्रक्चर होता है। शकूर चच्चा कमाल आदमी थे, आतिशबाजी किया करते थे, पर मुझे उनके हाथ की जो चीज सबसे अच्छी लगती थी वो था हंडे तैयार करना। कहते हैं कि आसपास के 72 गांवों में शकूर चच्चा से अच्छा हंडा कोई तैयार नहीं करता था। अब इससे पहले कि आप लोग गूगल देवता की शरण में जाएं और हंडे के लगवी माने खोजने लगे, खुलासा किए बेटा तब सौभाग्य नहीं जगा था, गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक नहीं बना था, हर गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, तब बहुत कुछ नहीं हुआ था। तब कार सेवा का नारा शुरू नहीं हुआ था, तब शाह बानो के साथ नाइंसाफी तारीख में दर्ज नहीं हुई थी, बहुत कुछ नहीं हुआ था। पर रोशनी की जरूरत तो थी क्योंकि हमारे पुरखे और आपके पुरखे भी काफी हजार साल पहले आग भड़कना सीख गए थे और उनको यह भी समझ में आ गया था कि रोशनी जरूरी है। तो गांव में हंडे चलते थे, गोबर गैस के हंडे और डीजल पेट्रोल के, अंग्रेजी में शायद उसको पेट्रोमैक्स बोलते हैं, या ये हो सकता है कि वो कंपनी का नाम हो, लेकिन जैसे हम लोग वनस्पति घी को डालडा बोलने लगे हैं वैसा कुछ रहा है। शकूर चच्चा आते, पोपले से शकूर चच्चा, सांवले से शकूर चच्चा, झुर्रियों से भरे शकूर चच्चा, और उनके हाथ जिस फुर्ती से वो लिफाफा फाड़ के हंडे पे वो सफेद ऐसे गुलूबंद सा लगाते, हमको लगता कि ये दुनिया की सबसे नायाब चीज। सिमई बनाने में इतनी बारीकी नहीं लगती, क्रोशिया में नहीं लगती, स्वेटर बिनने में नहीं लगती जितनी शकूर चच्चा को लगती है। पर शकूर चच्चा को किसी ने बताया नहीं और इसलिए मुझे लगा कि आज यहां बता दूं कि एक हंडा है जो वो नहीं जला पाए और इसलिए शकूर चच्चा के बच्चे आज भी गांव में हैं। शकूर चच्चा की शुरू की हुई चक्की हल्लू चलाता है, शकूर चच्चा की शुरू की हुई दुकान शुक्रुद्दीन भाई साहब चलाते हैं और शकूर चच्चा का शुरू किया हुआ टेम्पो पप्पू चलाता है। एक हंडा जो तालीम का हंडा है, रोशनी। हम और आप बड़ी किस्मत वाले हैं भाई साहब और बहन जी, अपने ब्याह को हो गए 8 साल, रिस्क नहीं है। हम लोग इसलिए बड़े नसीब वाले हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, कमाल का मुल्क है। मतलब आप सोचो कितने लोग छाती चौड़ी करके कह सकते हो हड़प्पा हमारा नहीं, मतलब हड़प लिया हमारा वो भी है पर है तो हड़प्पा हमारा ही। कितनी पुरानी सभ्यता है, जो दिल करे पढ़िए, तिलिस्मे ओशुर्वा पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, जातक कथाएं पढ़िए, त्रिपिटक पढ़िए, जो दिल करे पढ़िए।
एक बड़ी कमाल की पंक्ति है जो हमारे और आपके बुजुर्ग लिख गए हैं, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या है ये ज्योति, किस रोशनी की बात सब करते हैं? तालीम की रोशनी। इसलिए आप नसीब वाले हैं क्योंकि आप एएमयू में पढ़ते हैं और शकूर चच्चा के हंडों में जो चीज मिस हो गई वो आपसे मिस नहीं हुई, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे शकूर चच्चा हैं जो अपने परिवार पाल रहे हैं, उनको बरगलाने का सब तरफ से खूब जतन हो रहा है, सब तरफ से। आई रिपीट, मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं यहां पर आऊं एएमयू के मंच पर और ये कह दूं कि साहब बड़ा मुश्किल वक्त है। हमेशा से था, कब नहीं था। आप बताइए मुझे कोई एक 50 साल इतिहास से उठा के, साहब ये 50 साल बड़े अच्छे थे, सबके टिंडर में सही स्वाइप होते थे, कोई और रूम की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ा अच्छा वक्त था, मदमाश चल रहा था। तो मुश्किल तो हमेशा रही है, तो अभी भी है। तो मैं आपसे आगे कहूं कि बड़ा मुश्किल वक्त है, फलानी पार्टी ऐसी है, ढिकाना नेता ऐसा है, और मेरी आप लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति है। अच्छा, हम कहें अभी तो शुरू किया, डीजल इंजन गर्म हुआ, पर्ची भी आ गई, खत्म करो। वो बड़ा आसान होता, किस बात की सहानुभूति है भैया, हैं? बीमार हो, लाचार हो, भरे पूरे जवान नजर आ रहे हो, रगों में जरूरत भर की रफ्तार से खून दौड़ रहा है ज्यादातर लोगों के। नहीं, कुछ बीपी के मरीज भी होंगे, अज्यूम नहीं करना चाहिए, इसलिए वो सब बातें नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ढाई दिन वो बातें खूब हो चुकी हैं। है? मुश्किल वक्त है, आप लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो थोड़े से मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, अगर वो नहीं करना है तो। इंसान की मुझे लगता है कि दो बुनियादी जरूरतें हैं जिनका जिम्मा राज्य का भी है और आसपास के इंसानों का भी है, पढ़ाई और दवाई, दो चीजें। आप किसी को बहुत अच्छे से पढ़ा दो, ये डिग्री वाला नहीं, वो जो माता पिता तुम लोगों को लठ दिए देते थे ना, बोर्ड है, अरे बोर्ड ना हुआ बाघ हो गया, कभी भी आके दबोच लेगा, बोर्ड है। और फिर आग लगे इन अखबारों को, नतीजे आते हैं तो पहले पन्ने पे लिखते हैं रिक्शे वाले के लड़के ने टॉप किया, कला में चौकीदार का लड़का पीसीएस में चौथी रैंक, एक टॉप करता है, पर जो हजारों हजार लड़के हैं उनका वो दिन कितना खराब बीतता है। कितनों की मम्मियां कहती हैं, देखो संडा संडा खा खा के पढ़ा हो गया, इनसे पढ़वाओ मत, इनसे वो एक्शन और वो कौन स्टार मूवीज, वो लेट नाइट शोज दिखवा लो, और अब तो मोबाइल भी आ गया है, पढ़वाओ मत। वो वाली पढ़ाई नहीं, क्योंकि उस वाली पढ़ाई को पढ़ते अभी तक कुछ बहुत ज्यादा हासिल हुआ नहीं। तुम लोग भी दो चार किताबें और पढ़ लोगे, तकरीरें करना सीख जाओगे। मैं उस पढ़ाई का जिक्र करना चाहता हूं जिसका जिक्र सर सैयद अहमद खान ने इस शानदार यूनिवर्सिटी को बनाते वक्त किया था। वो सिर्फ एक इश्तेहार नुमा चीज नहीं है जो तुम लोगों के प्रोस्पेक्टस में छपती है, वो सिर्फ एक जुमला नहीं है जो लखनऊ की या अलीगढ़ की या किसी और मजलिस में दिया गया जुमला, यू नो जितना मैंने पढ़ा है तो बुनियादी चीजें थी जिन पे बड़ा जोर था सर का, और वो जोर सर से जुड़ा हुआ जोर था, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर जोर था क्या, और
अंग्रेजी पढ़ो, नाना प्रकार की चीजें, नई चीजें पढ़ो, विज्ञान पढ़ो। विज्ञान पढ़ने पे इतना जोर क्यों है? मतलब अगर तुमको ये पता चल ही गया कि जो तेजाब है उसमें हाइड्रोजन कितना है और सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो धरती की अपनी धुरी तो उल्टा तो घूमना शुरू कर ही देगी ना। पीवीआर वाले तुम्हें टिकट सस्ता देने लगेंगे। साइंस पे इतना जोर शायद इसलिए रहा होगा क्योंकि वो आपको तर्क करना सिखाता है। क्यों? और ये जो क्यों है इससे लोग बहुत डरते हैं। कौन लोग डरते हैं? सरकारें डरती हैं। सवाल मत पूछिए। धर्मगुरु बहुत डरते हैं। एक पंडित जी आए, बोले बेटा ऐसे से ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। हमने आपको किसने बताया? बोले लिखा है। हमने कहाँ लिखा है? बोले किताबों में लिखा है। किताबें किसने लिखी हैं? बोले ऋषि मुनियों ने लिखी है। तो हमने कहा उनके जमाने में तो ना पबजी था ना कब्जी था, कुछ था ही नहीं। तो बोले यार ये समर्पण की चीज है, बहस नहीं करते। हो गया। किसी ठेकेदार के छज्जे में चार मार्बल और जुड़ गया। आप किसी भी, आप मजहब को मानते हो या मेरी तरह सवालिया निशान के साथ देखते हैं मजहब को, आप पूछिएगा, आपको बाबा मिले, मौलवी मिले, जो आपने साइंस पढ़ी है, आसपास देखी है, सभी उसके साथ पूछिएगा, क्यों क्यों से बड़ा डरते हैं? क्या तो बता देंगे, सबकी थ्योरीज हैं। एक आपको बताएगा कि 6 लाख साल पहले प्रलय हुई तो ऐसा हुआ, दूसरा बताएगा कि 12,000 साल पहले ऐसा हुआ, तीसरा 3,000 साल पहले बनाएगा, और कोई नया नया बाबा होगा तो कहेगा बेटा सृष्टि तो अभी शुरू हुई, अभी तक अंधकार काल था, बाबा जी आ गए हैं, उनको फलाने चैनल पे देखो, सब्सक्राइब करो, उनका चूरन चटनी लो और भला हो जाएगा। सबकी अलग अलग टाइमलाइन चल रही है। तो ये क्यों जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से आता है जिसका जिक्र सर ने किया, पर शकूर चच्चा तक पहुंच नहीं पाया, हम तक पहुंचा। तो हम पढ़ने निकले अपने गांव से बाहर और हर तरह के लोग मिले। अब लोग थे, लोगों ने ये तय नहीं किया था कि वो क्या होंगे, वो पैदा होने के बाद बताया जाता था कि बेटा तुम पैदा हुए हो और तुम मुसलमान हो। और मुसलमानों में भी जब हमको बड़े हो रहे थे तो हमको लगता था कि ये मूर्खताएं हमारे मजहब में हैं, सवर्ण दलित ओबीसी, फिर बामन भी हो तो कौन से बामन हो, ये वाले कि वो वाले, और गोत्र कितना कौन सा है और कितने विश्वा के हो। पर जब हमारी दोस्तियां और मजहब के लोगों से हुई तो हमें पता चला कि मूर्ताएं सब जगह बराबर बटी हैं। बोले अंसारी हो कि पंसारी हो, खान पठान, एकदम हमको लगा अभी झोले से बादाम भी निकाल देंगे। ऐसे थक नहीं जाते हो गए इतना लोड लेके? जो चीज तुम लोगों ने तय नहीं की, हम लोगों ने तय नहीं की, उस पर लोड ले रहे हो। मतलब एक दिन तुम लोड ले लो कि यार आसमान मेरी वजह से नीला है, मैं कहूंगा तो सूरज तक छुट्टी पे चला जाएगा, घंटा कुछ नहीं होना। तुम्हारी जात और तुम्हारा मजहब उतने ही गैर जरूरी है जितना जरूरी सूरज और चांद है। तुमने नहीं चुना ना, तो लोड क्यों ले रहे हो भाई? चौड़े किस बात पे हो रहे हो? गाड़ियों में पीछे बड़ा बड़ा लिखवा लेते हो, हॉस्टलों में गुट बन जाते हैं, होंक भी देते हो दो चार को, है? तुमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर मरहूम प्राण की आत्मा आ गई, पठान का बच्चा। कुछ चीजें हैं जो तुम चुनते हो, मैंने चुनी, तुमने भी चुनी, वो मजहब और जाति नहीं है, वो तमीज है, वो तालीम है, वो यारियां हैं,
रिश्तेदार कितने बुरे होते हैं, हम नहीं चुन सकते। मतलब फूफी आएंगी, अम्मी फूफी की खातिर कर करके पिस जाएंगी, लेकिन जाते जाते फूफी बुराई ही करेंगे। बताइए, दही बड़े बनाए लेकिन दाल दोधुनी नहीं पिसी थी। चाहे अपने घर फूफी की दाल 3 दिन तक भीगती हो, लेकिन अम्मी के पास आएंगे तो दाल दोधुनी चाहिए। रिश्तेदार आए, खाए, दफा हो जाए। पर दोस्त, दोस्त ये अहमद पना नहीं करते, दोस्त आप चुनते हो। दोस्त कैसे होते हैं कि आपको पापा ने रात के 1 बजे घर में दाखिल होते हुए पकड़ लिया। ये कम्बक कहां थे? बोले पापा वो सचिन के साथ पढ़ाई कर रहा था। तो पापा तो वो तुम्हारे हैं, पर किसी जमाने में वो भी 1 बजे आए हैं। तुमको पता है कि लौंडा गोली दे रहा है, तो उन्होंने सचिन को फोन लगाया। बोले बेटा जावेद? बोले हाँ अंकल, सामने बैठा है। दोस्त, रिश्तेदार ऐसे नहीं होते। रिश्तेदार तो तुम पढ़ाई कर रहे होगे, हमारे साथ ऐसा हुआ। हम अपनी जीप चला के मिल जाती थी कभी कभी बापजी से, कॉलेज से लौट रहे हमारे बापजी के टीचर मित्र ने एक दूसरे लड़के को एक पार्टी की जीप चलाते देख लिया। 4-5 लड़के पीछे बिठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, शिकायत कर दी। हम होके गए। अब तक तकनीक भी ऐसी नहीं थी कि हम कहे पापा जी हमारी लोकेशन देख लो। और दिख भी जाती तो तमाचे को तब तक मौका है वारदात तो पड़ चुके थे। तो देखो, जो जो तुम चुनते हो वो शानदार होता है। तुम दोस्त चुनते हो, तुम अपनी यूनिवर्सिटी चुनते हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्स भी तुम में से कुछ लोगों ने खुद चुना होगा। मैं किसी लोग चुनते हैं देखिए, बाकियों का कोर्स तो शर्मा अंकल चुनते हैं। बोले अरे भाई साहब, हमारे घर में ऐसा हुआ, हम दूसरों की क्यों बताएं, छोड़िए शर्मा अंकल को, द्विवेदी अंकल की सुनिया। हमारी फूफी की बिटिया, मतलब हमारी बहन, उसका जेएनयू में दाखिला हो गया। हम बड़े जोड़े के, हमने कहा चलो, हम आए थे जेएनयू और लोग आ गए। जेएनयू बड़ी कमाल की जगह, बशर्ते आपने टीवी देखकर उसके बारे में राय ना बनाई हो। और भैया पढ़ना बहुत पड़ता है जेएनयू में दाखिले के लिए। तो दाखिला हो गया, हमने कहा यार ये तो बहन आ गई, अब इसकी भी बढ़िया तरक्की होगी, फॉरेन लैंग्वेज में ये पढ़ाई करेगी। पर शर्मा अंकल आ गए। अरे बोले साहब, जेएनयू 11 बजे लड़कियां घूमती हैं। मुझे तब समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कितनी खतरनाक चीज है ये। आप सोचो, अगर 11 बजे लड़कियां घूमेंगी तो सभ्यता का क्या होगा, सब तहस नहस हो जाएगा, आगे कैसे बढ़ेंगी संततियां। या शायद औरतें पालतू कम रहेंगी। उन्होंने कहा गेम तो बड़ी गड़बड़ जगह, मत भेजिए। नहीं भेजा। आप सबों की जिंदगी में बहुत सारे शर्मा अंकल हैं, मुझे पता है, मेरे में भी थे। बोले बेटे कर लो, बड़ा स्कोप है। हमारी छाती भाई साहब ऐसी जुड़ाई, जिस दिन हमने लल्लन टॉप में 6 बीटेक वालों को नौकरी दी। गंगा कसम मजा आ गया। अंकल आ रहे खुदाई, कब के तमाचों का कब बदला दिलवाया। नहीं, उनकी भी जिंदगी में शर्मा अंकल की गलती, उन 6 लोगों की नहीं। बड़े जहीन लोग हैं, इसलिए लल्लन टॉप में। पर हर जगह गधे बने का कोटा होता है, लल्लन टॉप में वो कोटा मैंने भर दिया। तो सब जहीन ही बचे।
बोले साहब बड़ा स्कोप है, पर हमने नहीं किया। पर वो लोग शर्मा अंकल भी ना बड़े, आप लोग जो जिसने मेटलर्जी वगैरह पढ़ी होगी, जो मजबूत किस्म की धातुएं होती है ना जिनसे प्रधान सेवक की स्पीच लिखी जाती है, मजबूत फौलादी, बड़े बड़े फैक्ट चेकर उससे टकरा के ध्वस्त हो जाते हैं, माहौल बना देते हो मित्रों। मतलब या तो मुकेश ने नाक का इस्तेमाल गाते वक्त सही किया था या मोदी जी ने किया। तो वो जो शर्मा अंकल थे उन्होंने हारी नहीं मानी, बोले अच्छा बीटेक नहीं कर रहे तो क्या हो गया, लड़के हो साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। बताइए साहब कौन सी किताब में लिखा है कि लड़के हो तो साइंस पढ़ोगे। और उनकी चिंता ये नहीं थी कि साइंस नहीं पढ़ूंगा तो मेरे करियर का क्या होगा, कहते बताइए कोई पूछेगा आपका भतीजा क्या कर रहा है तो क्या कहेंगे, बीए कर रहा है। शर्मा अंकल ने 3 दिन तक हमारे घर आके चाय नहीं पी जब हमने जेएनयू में एमए में हिंदी में दाखिला लिया बीएससी के बाद। को लगा ना कि अपना प्रोजेक्ट सही चल रहा है, सारे अंकलों के प्रोजेक्ट चलते हैं, पड़ोस की कोई लड़की रेस्टोरेंट में खिलखिलाते ना दिख जाए। बताइए नकवी साहब आपकी लड़की गोलगप्पे खा रही थी और चौराहे पे खा रही थी। अब भैया नकवी साहब वाली जो चच्ची है उनको रवा और सूजी मिला के गोलगप्पे बनाने नहीं आते तो वो चौराहे पे खाएगी ना लड़की। आपको इतनी चिंता है तो आप चाची से बनवा के दे जाओ। वो बड़े शौक में थे, बोले बताओ हिंदी से तो आप लड़कियां भी एमए नहीं करती हैं, आप इसको गलत पढ़ाई और ये हिंदी से एमए कर रहा है। हाँ हमको कुछ ऐसे लोग मिले, हमने कहा क्या कर रही है बिटिया, बोले बीटेक कर रही है, उनका दिलचस्पी तो थी नहीं, बोले नहीं वो मैकी बनी वाले सीवी में अच्छा लगता है। आप में से भी कई लोग शर्मा अंकल के शिकार हैं, शक्लें देख के नजर आ रहा है अभी भाग के लगा दो। आप लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जी। एक किस्सा है, मास्टर साहब लोग कुछ आगे बैठे हैं या कम से कम शक्ल से मास्टर साहब लग रहे हैं, वो हमको माफ करें अभी देर नहीं हुई है जी, जब जाओगे तभी सवेरा। हमको बीएससी के सेकेंड ईयर में समझ में आ गया था ये अपने बस की बात नहीं है। और बल्लू कब तक मतलब पहुंचाएगा, अरे उसकी भी सीमा है, वो कितनी नौकरी करेगा। तो प्यारे लाल आज नहीं तो कल दांव तो होगा, और जब दांव होगा तब शर्मा अंकल नहीं होंगे। तो हमने गणित में स्पेशल फंक्शन के पेपर के बीच में नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत स्लो हुई थी, तो तुम लोगों की होती है ना, एक लेके देखो बड़ा मजा आएगा। मुंह में मत के छोड़ो धुआं, ऐसे शुरू होता है ना, पहली बार कड़वा लगता है, पीजा 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 कोल्ड ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक है। वैसे ही हमने पुराना प्यार जगाया, बाजार गए, भला वो राज कॉमिक शुरू करने वालों का सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स लेके आए, स्पेशल फंक्शन की किताब और इसका रजिस्टर उसके बीच में रख के सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ा, फिर मनोहर कहानियां पढ़ी, सरस सलील क्या लगा गया अपने आप दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन हो गई। नहीं घर वाले थे तो ट्यूशन व्यूशन जाते थे, पर ट्यूशन पढ़ने कौन ही?